दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फ्री सिलाई मशीन योजना के 2024 के प्रोसेस के बारे में। अगर आप अपना फ्री सिलाई मशीन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये बिना स्किप करे वीडियो को पूरा बहुत देखना है, जब भी आपको पता चल पाया कि आप अपना फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो के साथ में। अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है जो है आपको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है। ये जो है pmvishwakarma.gov.in पे। अब इसमें दोस्तों आपको अपना फॉर्म भरना है फ्री सिलाई वाला। वो कैसे मिलना कैसे करेंगे, 15,000 प्लस टूल किट आपको मिलेगी। इसमें जो जो वर्क करता है वही इसमें जो है फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि वो चेक करने भी आ सकते हैं आपके घर। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप CSC पे क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपका CSC ID डालना है, पासवर्ड आपको डालना है। CSC ID रहेगी जब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं इसका फ्री सिलाई मशीन योजना का। साइन अप पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, यहाँ पे आप नो करेंगे, यहाँ पे भी नो करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आधार कार्ड से लिंक है, पासवर्ड आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चर मिलेगा कैप्चर डालना है, यहाँ पर टिक करना है, उस कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले से फॉर्म को यहाँ पर भरा हुआ हूँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर मुझे लॉगिन के लिए बोल रहा है। अगर आप फर्स्ट बार फॉर्म को भरोगे तो यहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP आएगा, और आधार कार्ड वाला जो अभी मैंने आधार कार्ड मोबाइल नंबर डाल के दिखाया वो OTP आपको डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका मोबाइल पे नहीं आ रहा है तो आप जो है थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मेरे नंबर पे एक OTP आ चुका है। OTP यहाँ पे देख सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे OTP आपसे बोला गया है। तो यहाँ पर मैं OTP डाल लेता हूँ, OTP मेरा आ चुका है, तो OTP मैं डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका पहला जो पहला स्टेप रहेगा वो आपका मैरिड है इन मैरिड है वो सेलेक्ट आप करेंगे, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, जाति आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट है तो इसे आप यस कर सकते हैं, मुस्लिम नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएगा आपको मोबाइल नंबर दिखा दिया जाएगा, आपका आधार नंबर दिखा दिया जाएगा, 4 अक्षर लास्ट के, पैन कार्ड दिखा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप चेक कर लेना, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद जो भी आपके राशन कार्ड में जितनी भी डिटेल रहेगी वो सारी आपकी देखने को मिल जाएगी, साथ के साथ नाम आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद नीचे आना है दोस्तों आपको। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला गया है सेम एज आधार कार्ड आधार एड्रेस, अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग आप डाल दीजिए। उसके बाद ग्राम पंचायत आपकी क्या है वो डालना है, ब्लॉक का नाम डालना है, सारा कुछ आप डाल दीजिए, डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे आना है, और यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको टेलर, जैसे मैं टेलर सेलेक्ट किया हूँ वैसे ही सैंपल के तौर पर। उसके बाद आपको सेव कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे बैंक की डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी, नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड, नेम का ब्रांच का नाम, IFSC कोड खोलते हैं जैसे। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है आपको, कंफर्म करने के लिए दोबारा से अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा जो आपको लगे सब कुछ ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप इसे यस करके लोन ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, सेव करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक 5-3 स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस हमको 15 स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टूल किट आपको मिलेगी, मार्केटिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, जिस किस का सपोर्ट चाहिए इनमें से आप टिक कर लीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको इनमें से अनटिक ही रहने देना है, कुछ भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव पे आप क्लिक कर दोगे, डाटा सेव हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आप टिक करोगे, उसके बाद सबमिट कर देना था, फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, बिना कोई गलती करे, फ्री सिलाई मशीन का। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे चैनल को जैसे जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड शाम को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।